हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं एबीएम डिजिटल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। कैसे एक नायक खलनायक बन गया, एक नेशनल हीरो, एक लौते हिंदुस्तानी जिसने दो ओलंपिक मेडल जीता, वर्ल्ड टाइटल है जिसके नाम, कॉमनवेल्थ गेम में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब, पद्म श्री पुरस्कार विजेता होने के गौरव, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित, जिसे करोड़ों रुपया इनाम में मिला, आज उसी पर पुलिस ने रखा है 1 लाख का इनाम। सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख का इनाम है और यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी। वह यह दिन है जब सुशील कुमार की तकदीर एकदम से पलट गई। 4 मई को ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ एकदम से घूम गया, एकदम सब कुछ बदल गया और हीरो से विलन बन गया, एक नेशनल हीरो विलन बन गया। वह एक हत्यारा बन गया, वह एक बहुत ही बड़ा हत्यारा बन गया जिसे सब हीरो मानते थे, अपने देश का गौरव मानते थे, और वह बहुत ही बड़ा हत्यारा निकल गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सागर धनकर की हत्या मामले में सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे देश शर्मसार है, खेल जगत हाहाकार मच गया जब सुशील कुमार की यह बात सामने आई। वह एक नेशनल हीरो है और इस तरह से जब कोई नेशनल हीरो करते हैं तो देश शर्मसार हो जाते हैं। कैसे 4 मई के बाद सुशील कुमार का जीवन ही बदल गया और वह हत्या के मामले में गिरफ्तार हो गया और सागर धनगर की मारपीट से उनकी हत्या हो गई। उसे इतनी चोट पहुंची कि उसे हॉस्पिटल तो ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच पाया, और उसका दो दोस्त तो बच गए लेकिन सागर धनकर दम तोड़ दिया। दोस्तों, सुशील कुमार एक नेशनल हीरो है, इनके पास हर एक अवार्ड है जिन्हें वह हासिल किया है, और वह बहुत बड़े कुश्ती का चैंपियन है, लेकिन वह अभी गिरफ्तार है, वह बहुत बड़े कातिल है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।